नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बंगाल विधानसभा का अधिवेशन स्थगित, राज्यपाल ने जारी किया निर्देश। अलीपुर कोर्ट के जज को कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया शो कॉज। हिजाब विवाद पर टिप्पणी करने वाले देशों को भारत ने दिया जवाब। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हुए शहीद। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री को बताया मानसिक तौर पर असंतुलित। यूपी में सोमवार को खुलेंगे नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी स्कूल। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 3000 सैनिक भेजे पोलैंड। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच जारी घमासान के बीच ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को एक आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल विधानसभा का अधिवेशन स्थगित कर दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 174 के तहत 12 फरवरी से राज्य विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल ने आदेश को ट्वीट किया है। राज्यपाल के इस आदेश से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश का अर्थ है कि अब राज्य का विधानसभा सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के बिना अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में सुनवाई के दौरान दस्तावेज देखे बगैर ही आरोपित को जमानत देने वाले अलीपुर कोर्ट के जज को कोलकाता हाईकोर्ट ने शो कॉज किया है। जज पर अनैतिक व नियम के खिलाफ फैसला सुनाने का आरोप है। आरोप है कि पहले से ही टाइप की गई जमानत की अर्जी पर रिक्त स्थान रखा गया था, रिक्त स्थान पर जमानत भरकर फैसला सुना दिया गया है। इसे लेकर अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट ने शो कॉज कर दिया है। कर्नाटक हिजाब विवाद में पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। जो बाइडन सरकार में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत भारतीय मूल के राशिद हुसैन ने ट्वीट में लिखा कि अपनी मजहबी पोशाक पहनना भी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारतीय प्रदेश कर्नाटक को मजहबी पहनावे की अनुमति निर्धारित नहीं करनी चाहिए। इस पर पलटवार में भारत ने हिजाब विवाद को लेकर कुछ देशों की टिप्पणियों को अपने आंतरिक मामलों में अवांछित दखल करार दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए और एक जवान घायल हो गया। शहीद असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की झारखंड के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ उसूर ब्लॉक के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई थी। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस जंगल में सीआरपीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, तभी नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अतीत में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग चुके राहुल गांधी पर हमला करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि उन्होंने कभी उनके पिता के बारे में सबूत नहीं मांगा। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि शर्मा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री ने मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियेपन की सब हदें पार कर ली है। मोदी जी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना ये हिमंत शर्मा के छिछोरेपन व घटिया सोच का सबूत है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। 14 फरवरी सोमवार से राज्य में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इसके बाद अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने आना होगा, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ज्ञात हो कि यूपी सरकार ने पिछले सप्ताह कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी माध्यमिक स्कूल, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने अब यूक्रेन से सटे नेटो देशों में सेना की तैनाती तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3000 और अमेरिकी सैनिकों को पोलैंड रवाना होने का आदेश दिया है। पहले से ही अमेरिका के 17,000 सैनिक पोलैंड में तैनात हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के बीच फोन कॉल पर बातचीत होनी है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर नेटो देश चिंतित है। उसकी चिंता कम करने के लिए ही अमेरिका नेटो देशों में सेना की तैनाती बढ़ाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।